यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे, एक और खबर सफीदों से आ रही है। एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। जी हाँ, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। सफीदों से ही ये खबर आ रही है। तो सड़क हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो बड़ी खबर है सफीदों से। एक और मामला सामने आया है, जो बाइक सवार है वो अपने घर जा रहा था जब उसके साथ ये हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफीदों से बड़ी खबर है, अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। क्या कुछ अपडेट है इस पर, अपडेट लेकर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सफीदों से सत्यदेव। सत्यदेव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज सुबह यह एक शव है जो कि सफीदों के कारखाना गांव के पास मिला है। बताया जा रहा है कि कोरड़ गांव का एक व्यक्ति जो कि शाम को अपना काम निपटा के घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उसको टक्कर मार दी गई और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और अभी यह भी जानकारी मिली है कि जो मृतक है सफीदों में हेयर सैलून चलाता था और नरेश उसका नाम था। जब वह रात को अपने यहाँ से काम निपटा के गया था तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मारी और रात भर वह व्यक्ति वहीं झाड़ियों में पड़ा रहा और सुबह उसका जो शव है उसको पुलिस को जब सूचना दी गई तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सफीदों के सामान्य अस्पताल पहुंचाया है। और अभी पुलिस परिजनों के बयान का इंतजार करी है कि उसके बाद कोई पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी और बताया जा रहा है कि 9:30 बजे के आसपास उसके शव का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यदेव। तो एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कुछ ही देर में उसका पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा।